नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और सभी मित्रों को। तो एक बार फिर मैं आपके सामने आपकी इतिहास की कक्षा के साथ। तो जैसे कि हम हमेशा लेसन शुरू करते हैं, अध्याय शुरू करते हैं, उससे पहले एक पॉजिटिव बात। पॉजिटिव बात मेरी आज की ये है कि आज हनुमान जयंती है और हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है जब हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। तो बचपन से चालीसा पढ़ते आ रहे हैं तो ये पंक्ति आज मैं विद्यार्थियों से स्पेशल साझा करूंगा, क्योंकि मैं जितने भी हमारे जो जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे देव जितने भी हैं, मैं उन्हें शक्ति मानता हूँ अपने अंदर की। जैसे हनुमान जी को मैं हनुमत शक्ति मानता हूँ, तो हनुमत हर देव और हर ईश, हर आत्म और हर परमात्म ये हमारे अंदर होता है। तो हनुमत शक्ति जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये पंक्ति मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मेरे को यही बोध होता है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी वही सबसे सुंदर है, विद्यार्थी वही सबसे सफल है जिसके पास सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर है यानी कि बल, दूसरा बुद्धि जिसके पास बुद्धि है, एक शारीरिक बल है और एक बुद्धि बल है। और जब ये दोनों बल और बुद्धि इनका समावेश हो जाता है तो उससे अपने आप ही एक विद्यार्थी जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से संसार में विचरण करता है, एक अच्छा किरदार जो है वो निभाता है। तो बाद में कहते हैं हर हो कलेश विकार सियावर राम जय। तो अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, अगर हमारी विद्या अच्छी है, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो विकारों से रहित जीवन हो जाता है, और विकारों से रहित जीवन ही एक श्रेष्ठ विद्यार्थी जीवन का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। तो बात इतिहास की, बात इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की बात चली तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने जो सबसे पहले आपको पॉइंट बताए थे कि विश्व की चार सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चौथी सभ्यता चीन की सभ्यता, ये सारी की सारी नदियों के आसपास विकसित हुई। तो मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखें, उसमें सारा का सारा क्लियर किया है। तो लेकिन ये चार सभ्यताएं जो एक ही समय में धरती के ऊपर परवान चढ़ रही थी, हमारी सभ्यता जो है वो इन चारों में से श्रेष्ठ सभ्यता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारी दुनिया हैरान है कि आज से 5,500 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता परवान चढ़ रही थी जिसकी नगर योजना कमाल की थी, और उनका जो दृष्टिकोण था लोगों का वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जो सबसे पहली बात आ जाती है। तो आइए लेसन को हम आगे ले जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये समाज, किसी भी समाज या सभ्यता के मापदंड क्या होते हैं ये आप नोट करो, कि कोई भी सभ्यता है या कोई भी समाज है उसका मापदंड क्या है, उसको हम किस नजरिए से देखें, उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमें उसके बारे में चिंतन करने के योग्य बनाती हैं। जैसे हो गया राजनीतिक व्यवस्था किसी भी समाज की, किसी भी सभ्यता की कैसी है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था कि उसका समाज कैसा चल रहा है। तीसरी है धार्मिक व्यवस्था कि वहां धर्म क्या है, वहां के लोग जो हैं उनका धार्मिक दृष्टिकोण कैसा है। और आर्थिक व्यवस्था, ये आर्थिक व्यवस्था हर देश हर राष्ट्र ये आर्थिक तौर पे अगर वो सुदृढ़ होगा तो वो राष्ट्र अपने आप ही वहां पे शांति होगी, अपने आप ही वहां पे सरलता होगी, अपने आप ही वहां पे सुख संसाधन होंगे। ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये सबसे पहले किसी भी समाज या सभ्यता के चार मापदंड आप नोट कर लो कि राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं
सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, क्यों इस सभ्यता को विश्व में बहुत गौरव से, बहुत इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसकी नगर योजना, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बहुत अच्छे ढंग से बताया था पिछली वीडियो में कि नगर योजना वन ऑफ द बेस्ट ऑन दिस प्लेनेट, आज से इतने हजार साल पहले, 5,500 साल पहले। तो उसके बाद आ जाता है जल निकास। अब ये जल निकास जो है ये कमाल का था, जल निकास इनका, ड्रेनेज सिस्टम, घर की रसोई और गुसलखाने से लेके बाहर के बड़े सीवरेज तक कमाल की व्यवस्था है। सड़कें और गलियां, ये भी उस पिछली वीडियो में मैंने आपको साझा किया था कि कमाल का है, और पक्की ईंटों से बने मकान। अब मैंने पिछली बार यहाँ पे ये एक बात छोड़ी थी कि जो लेसन देते देते मेरे दिमाग से स्किप हुई थी कि पक्की ईंटों के मकान। तो जब ये खुदाई हुई है तो इसमें से जो ईंटें मिली हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पकी हुई ईंटें हैं, कच्ची ईंटें नहीं है, आग में पकाई हुई ईंटें हैं। तो उनका जो साइज है ईंटों का, लंबाई चौड़ाई और उनकी मोटाई जो है वो आप जरूर नोट कर लो। यहां से जो ईंटें मिली हैं उनकी जो लंबाई है वो 10.5 इंच है, 10.5 इंच इनकी लंबाई है और 10.5 इंच ही इनकी चौड़ाई है, 10.5 इंच इनकी लंबाई है और 10.5 इंच ही इनकी चौड़ाई है। और ये ईंटें मोटी कितनी है, 3.5 इंच मोटी है। तो ये बड़ी विशेषता है यहाँ की। उसके बाद आ जाता है कि और क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के पास, कलाकारी, कमाल। क्योंकि कलाकार कहाँ पे होते हैं, एक बात हमेशा सभी याद रखिए कि कलाकारी, जिस राष्ट्र में कलाकारी प्रफुल्लित होती है वो राष्ट्र खुशहाल भी होता है, वहां पे शांति भी होती है। क्योंकि कलाकारी ही एक ऐसा गुण है जो कि शांति और समृद्धि में प्रफुल्लित होता है। और इस सभ्यता की विशेषता ही यहाँ की क्या है कि इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इन लोगों का सबसे बड़ी बात जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब परवान चढ़ी है तो पहले हमने देखा हड़प्पा, कि हड़प्पा के पास 1921-22 में सर जॉन मार्शल ने वहां पे खुदाई करवाई। उसके बाद वो सभ्यता जो है वो सिंध तक चली गई, वहां पे हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो सिंध नदी के पास भी है। तो धीरे धीरे देश की आजादी के बाद भी हमें पता चला कि ये सभ्यता का जो क्षेत्र है वो छोटा नहीं है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। तो वो सभ्यता हमें जो मिली वो मेरठ के पास, अगर हम बात करें उत्तर दिशा की, ये मेरा सर जो है ये उत्तर दिशा का प्रतीक है, जैसे हमारा भारत का अगर हम नक्शा देखते हैं तो वहां पे सर उसका क्या है, जम्मू कश्मीर। तो ये सभ्यता जो है वो जम्मू के पास भी है, जम्मू के पास, जो वहां पे एक नगर मैंने आपको पिछली बार बताया था मेंढा, जम्मू के पास एक जगह मेंढा, वहां तक ये सभ्यता है। फिर अगर हम अपने राइट हैंड को देखें नक्शे में तो हम देखेंगे कि यूपी साइड जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ के पार आलमगीरपुर, वहां तक ये सभ्यता फैली हुई है। फिर अगर हम दक्षिण यानी कि पांव की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए तो ये सभ्यता जो है वो दैमापुर तक है, महाराष्ट्र तक है। और पश्चिमी साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये सभ्यता जो है ये अफगानिस्तान तक, उसके बॉर्डर तक जो है वो कवर करती है। तो ये एरिया बहुत विस्तृत है। तो आइए आज हम सबसे पहले मैं आपके पास जो लेके आया हूं ना, कि अगर आपको कोई पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आपके जुबान पर आना चाहिए वो है हड़प्पा। नोटिंग ले लें आप जरूर, हड़प्पा। सबसे पहले जब खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल जो थे उस टाइम पे, क्योंकि भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का राज्य था, तो जॉन मार्शल की अगुवाई में, उसके नेतृत्व में जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो सबसे पहला स्थान जो लिया गया वो हड़प्पा था। हड़प्पा यानी कि पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में, वहां पे रावी नदी के किनारे इस सभ्यता की जो है वो सबसे पहले खुदाई शुरू हुई। और इसका जो इंचार्ज बनाया गया था वो थे दयाराम सहनी, राय बहादुर दयाराम सहनी।
तो ये राय बहादुर की उपाधि के बारे में भी कभी आपको वीडियोस में बताऊंगा कि ये भी एक टाइटल था जो अंग्रेजों ने दे रखा था। तो हम याद रखें कि सर जॉन मार्शल की अगुवाई में जो उस खुदाई का नेतृत्व मिला था वो राय बहादुर दयाराम साहनी जी को मिला था। सन था 1921। और यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से हमें 6 अन्नगार मिले, 6 ग्रेनरीज। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि नगर योजना में 6 अन्नगार यहाँ से मिले, ग्रेनरीज मिली, वहां पे गोदाम मिले। उसके बाद लकड़ी का बना हुआ एक तबूत मिला, लकड़ी का बना हुआ, नीचे से आप नोटिंग ले, लकड़ी का बना हुआ तबूत और 12 पीतल के दर्पण, मिरर्स, ये हमें मिले सिंधु घाटी सभ्यता में। सो योर फर्स्ट साइट इज हड़प्पा। आई होप कि आपने ये नोटिंग ले ली होगी। लेट अस नो टॉक अबाउट मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो ये खुदाई फिर सर जॉन मार्शल ने लगातार आगे बढ़ती है। और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, तो उसमें ये जगह है सिंध प्रांत में, जिसका रियल, ये जो मोहनजोदड़ो आजकल हम किताबों में पढ़ते हैं या बोलते हैं, दरअसल इसका जो रियल, मैंने साइट पे लिखा है, आप जरूर नोट करो, मोहनजोदड़ो। ये मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है एक वर्ड को, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला या मुर्दों का थे। तो इसी के कारण इसका नाम जो है वो मोहनजोदड़ो पड़ा। और इसका जो इंचार्ज बनाया वो बनाया राखल दास बैनर्जी को, या आरडी बैनर्जी को। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि आरडी बैनर्जी याद करो, किसको याद करके बोला, आरडी बर्मन को, जो हमारे प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो लेट अस आगे चले, हम सिंध प्रांत है तो यहाँ पे क्या मिला, ये सबसे मेन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेनरी के साथ साथ ग्रेट बात मिला है, ये ग्रेट बात यहाँ पे मिला। उसके बाद यहाँ पे पीतल की बनी हुई जो है वो नर्तिका वो मिली, और साथ में एक जो होता है स्टैचू टाइप होता है पुजारी का, वो हमें यहाँ से मिला। तो ये 2 प्रिंसिपल साइट्स हमेशा याद रखनी है, 6th क्लास के जो बच्चे हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, तो ये 2 साइट्स बेटे हमेशा याद रखनी है कि आपसे कोई भी प्रश्न करे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जो स्थान है वो कौन से हैं, तो आप बताओगे, पहला बताओगे हड़प्पा, फिर बताओगे आप मोहनजोदड़ो, और ये दोनों कहाँ पे हैं, दोनों ही पाकिस्तान में है। और सन याद रखना है 1921 1922। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लेस, कालीबंगा। कालीबंगा तो ये खुदाई जब आगे आगे बढ़ती गई, भारत आजाद हुआ, तो उसके बाद जब हम थोड़े से स्टेबल हुए तो ये कार्य जो है पुरातत्व विभाग ने आगे करना शुरू किया। तो आगे चलते चलते हमने देखा कि 1953 से लेकर 1962 तक घग्गर नदी जो है उसके आसपास एक जगह, जो यहां से ये ज्यादा इसके चिन्ह मिले, वो कालीबंगा नाम का क्षेत्र है। तो ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। अगर हमने और डीप स्टडी करनी है तो इसकी जो खुदाई का कार्य भारत जब आजाद हुआ है तो ये बीबी लाल एंड बी के थापर को मिला, बीबी लाल एंड बी के थापर को मिला। तो यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली हमें, अग्निवेदिका मिली, मिट्टी की मोहरें मिली। तो ये सारी की सारी चीजें जब मिलती हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ भी ये सभ्यता जो है ये बहुत विस्तृत सभ्यता थी। और एक बात याद रखें कि ऐतिहासिक तौर पर केवल उसी वस्तु को, उसी घटना को मान्यता मिलती है अगर हमारे पास उसके पुख्ता प्रमाण होते हैं। सो ये कालीबंगन या काली बंगा नाम का जो स्थान राजस्थान में है, इसको भी आप नोट कर लें। तो ये भारत की आजादी के बाद इसकी जो खुदाई का कार्य जो था वो शुरू हुआ। सो लेट अस नो टॉक अबाउट बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा में है, ये स्थान जो है बनावली का ये हरियाणा में है। 1974 में इसकी जो थी वो खुदाई हुई। तो खुदाई कर्ता जो थे वो रविंद्रनाथ बिष्ट हैं। आई होप कि आप नाम जो है वो नोट करते जाएंगे, रविंद्रनाथ बिष्ट हैं, राज्य हरियाणा है बनावली का। तो यहाँ भी अग्निवेदियां मिली, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो सुन रहे हो आप। अग्निवेदियां हल्की आकृति है, अंडाकार बस्तियां हैं,
अर्धव्यास सड़कें हैं। तो ये सारा का सारा छोटी सी डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजें जो हैं ये मैं आपके आपके पास बाद में डिस्कस करूंगा कि इनका एक्चुअली महत्व क्या है। अगला स्थान जो है वो चोहनजोदड़ो है, ये भी सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो और चोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है। तो इसकी खुदाई जो थी ये आजादी से पहले 1931 में हुई है। तो गोपाल मजमूदार जो थे वो उत्खनन करता थे या फिर इसकी खुदाई करने वाले थे। राज्य सिंध और पाकिस्तान का एरिया था। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ से मिलती है लिपस्टिक, यहाँ से मिलते हैं बिल्ली के शल्य, वक्राकार ईंट मिलती है। तो ये नगर जो है इसके बारे में मैं आपको एक और विशेष इंटरेस्टिंग बात बाद में डिस्कस करूंगा। आगे हम चलें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर। दरअसल इसका नाम जो है वो लोथल है, आई थिंक सो। ये हम बात जो कर रहे हैं ये लोथल की कर रहे हैं। ये मेरे से ऊपर लिखा नहीं गया शायद, ये तो ये लोथल है। आप नोटिंग ले लें इसकी, LOTHAL, लोथल। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत प्रसिद्ध प्रश्न आता है कि बंदरगाह भी थी क्या कोई, तो उसमें हमें जवाब देना होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो बंदरगाह थी वो थी गुजरात में। गुजरात के पास समंदर लगता है, तो गुजरात में यहाँ पे इनकी बंदरगाह थी जिसका नाम था लोथल। तो इसकी जो है वो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो हैं वो हमें मिली हैं, जैसे दोहरा कब्रगाह मिला है, शतरंज मिली है, तो टेराकोटा का जो है वो काफी मूर्तियां वगैरह मिली हैं, तो एक रक्षा प्राचीर मिली है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें, ये मुख्य साइट्स जो हैं ये आप एक बार फिर नोट कर लो, मैं फिर शुरू आपको करवाता हूँ। नोट करें, पहला स्थान जो है पीछे से अगर हम जाएंगे तो लोथल, लोथल के बाद चोहनजोदड़ो, चोहनजोदड़ो के बाद बनावली, बनावली के बाद कालीबंगन, कालीबंगन के बाद मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा। आई होप कि आपने ये सारी की सारी एक डेप्थ स्टडी जो है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपने नोटिंग ले ली होगी उसकी। तो अब हम देखें, मैंने आपको शुरू से ही एक बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जरा सोचें कि अगर इतिहास टेस्टी नहीं है तो इसका अर्थ मेरे मायनों में ये हुआ कि इंसानी सभ्यता ही टेस्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान ने जो भी कंफर्ट जोन बनाए हैं उसके पीछे एक गहरी कहानी है। इंसान ने किसी भी चीज का जो निर्माण किया है उसके पीछे एक कहानी है, और यहाँ पे एक कहानी है, वहां पे एक इतिहास छुपा है। क्योंकि याद रखें मैं आपको एक ही बार डिस्कस कर रहा हूँ, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट। तो इसके बारे में मैंने, इसके बारे में हम आगे चलते हैं, इसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। तो ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नोटिंग ले द्रविड़ थे, इनको हम द्रविड़ कहते हैं, कहलाते थे। तो आप ये देखने में कैसे होंगे, जस्ट इमेजिन ये देखने में कैसे होंगे। इतिहासकार कहते हैं कि इनका कद छोटा था, कद के छोटे, इनकी नाक भी जो थी वो भी छोटी थी, और इनका जो रंग था स्किन का वो काला था। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि पहली बात, कद के छोटे, नाक छोटी, लेकिन रंग जो था इनका वो काला था। तो इमेजिनेशन अब हम लेके चलेंगे कि ये लोग देखने में कैसे थे और वो दुनिया कैसी थी। तो आइए अगला चैप्टर खोलते हैं, हड़प्पा। तो मैंने बताया था कि इनकी नगर योजना कमाल, ये देखिए, ये अभी मैंने जो हड़प्पा में आपको बताया 6 अन्नगार मिले, ये टोटल इसकी काउंटिंग जो है ये 6 है। तो ये बड़े गोदाम यहाँ पे ये लोग जो थे वो अनाज रखा करते थे। सोचिए वो कैसे होंगे, वो बच्चे कैसे होंगे, वो स्त्रियां कैसी होंगी, वो बूढ़े कैसे होंगे, वो पुरुष कैसे होंगे। तो इमेजिनेशन शुड बी हियर, तभी मजा आता है स्टडी करने का। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट इसका ले रहे हैं हम, कि
मोहनजोदड़ो, ये दो साइट्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मोहनजोदड़ो क्या है। मोहनजोदड़ो के ये जो विशाल ग्रेट बाथ हमें मिला है, इसके आसपास पूरे जो है एक दीवार मिली है, इसके आसपास एक दीवार मिली है, ये कवर्ड है पूरा का पूरा। ये जो पॉन्ड आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये इसके आसपास एक दीवार है मोटी, पूरी साइड पे साइडों के ऊपर कवर्ड है, जिसकी जो लंबाई है वो 180 फीट है। 180 फीट इसकी लंबाई है और 108 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। ये जो ग्रेट बाथ नजर आ रहा है, इसकी ये साइड्स जो है, इसके बाहर का एरिया जो है, ये पूरा स्नानागार लंबा कितना है, 180 फीट लंबा है और 108 फीट चौड़ा है। अब ये देखिए, ये जो बुर्जियां हमें नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे जब वो लोग स्नान करते थे, विशेष समय पे करते हों या जब भी करते हों, यहाँ पे इतिहासकारों का मत है कि वो नहाकर अंदर जाते थे। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो हेल्थ कॉन्शियस होंगे। उसके बाद ये ग्रेट बाथ में, एक बार फिर इसकी नोटिंग चाहिए आप ले लो कि ये जो ग्रेट बाथ है, ये जो तालाब है, ये 39 फीट लंबा है, 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, 23 फीट ये चौड़ा है और गहरा कितना है ये तालाब, 8 फीट गहरा है। तो ये मोहनजोदड़ो सेकंड साइट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, नगर योजना कमाल। जलाशय देखिए, ये एक और स्थान है यहाँ का, धौलावीरा। धौलावीरा में ये सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, जब खुदाई हुई, तो ये देखिए कितनी कमाल की वहां पे ये जलाशय मिला, जहां पे वो अपना पानी जो है वो स्टोर करते थे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये विज्ञापन पट्टा। ये मैं आपके साथ कुछ बाद में इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये चीज जो है। अब हम ये, मैं कलाकारी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने आपको जब लेसन शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी नगर योजना कमाल की है। तो नगर योजना का हमने पिछली बार सारा जिक्र किया था, तो मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊंगा कि ये इनकी कलाकारी देखिए, भवन निर्माण कला के ये नमूने, ये सारे, चाहे वो ग्रेट बाथ है, चाहे वो ग्रीनरीज है, चाहे वो जलाशय है, ये देखिए, चाहे वो जलाशय है। अब हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है वो क्या कहता है कि ये लोग, मैंने बताया था कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। किसी भी सभ्यता में, किसी भी राष्ट्र में उसकी आर्थिकता मुख्य होती है। तो ये देखिए, इतिहासकारों का मत है कि ये विज्ञापन पट्टा है, कोई किसी चीज का विज्ञापन है ये। तो इसका अर्थ आप थोड़ा सा जानिए कि ये लोग जो हैं, ये व्यापारी लोग हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता ये है कि इस सभ्यता के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, विशेषकर नगरों में, वो कृषि के साथ कम और ट्रेड के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये विज्ञापन पट्टा ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो हैं, ये ट्रेड के साथ, बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट, कि ये जो व्यापार चल रहा है, ये मिट्टी की मोहरे हैं, क्योंकि इसमें सिक्के नहीं मिले हैं, ये विशेष तौर पर काफी मात्रा में ये मोहरे मिली हैं। तो ये मोहरे हमें क्या बयान करती हैं कि ये मोहरों, इन मोहरों की सहायता से वो चीजों का आदान प्रदान हो सकता है, वो मोहरे या किसी विशेष लेन देन में कार्य करती हों, या हो सकता है अगर वहां पे ग्रामीण स्तर पर अगर बार्टर सिस्टम था, तो मेन जो ट्रेडिंग थी वो मोहरे जो थी, ये काली बंगन में ये मोहरे मिली हैं। तो ये मोहरे क्या बताती हैं कि इनका ट्रेड जो था वो काफी विकसित था। नेक्स्ट हम आते हैं बंदरगाह, देखिए लुथल। तो ये पिक्चर जो है, ये इमेजिनेशन है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे जो लोथल की बंदरगाह थी, उसमें पानी जो है वो काट के अंदर तक लाए हैं, तो कैसे वो जो समुद्री, जो इनके बेड़े होते थे या इनके पास जो बेड़ियां होती थी, जो संसाधन होते थे, तो
तो वो कैसे उनको लैंड करवाते थे पानी में, और उसके बाद कैसे उनको बाहर निकालते थे, ये सारी की सारी ये बंदरगाह है। और बंदरगाह एक चीज का हमें प्रमाण देती है कि यहाँ पर बंदरगाह है, इसका अर्थ हम ये जरूर लगाएंगे कि इनका व्यापार केवल आंतरिक नहीं है, इनका व्यापार जो है वो बाहर भी है, यानी कि जो दूर देश हैं उनके साथ उनका व्यापार चलता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिकता जो है वो बड़ी विशेष मायने रखती है। अब ये देखिए, काली बंगन में ये जुते हुए खेत जो है बहुत पुराने नीचे से मिले, तो ये जुते हुए खेत क्या बताते हैं कि ये लोग, इनको एग्रीकल्चर का बहुत नॉलेज था, खेती करते थे और उनको पता था कि खेती कैसे करनी है। अगर खेती करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमने साइट्स बताई हैं, तो उसमें हल भी मिले हैं। अब ये जो हल मिले हैं तो इसका अर्थ साफ तौर पे ये हुआ कि इनकी आर्थिकता में कृषि का एक बड़ा योगदान था व्यापार के साथ साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेते हैं कि इनकी धार्मिक अवस्था क्या थी, यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो ये धार्मिकता जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात सिंधु घाटी सभ्यता की हमने ये लेनी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो हवन यज्ञ नहीं करते हैं, ये आप नोटिंग ले लो। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो यज्ञ नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रमाण क्या है, पशुपति शिव, ये बहुत सी सीलें मिली हैं हमें, मिट्टी की बनी हुई सीलें। तो इस पे पशुपति शिव की जो मूर्ति है, इसका नाम इन्होंने रखा है पशुपति शिव, जो कि चारों तरफ से जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम इतिहासकारों ने पशुपति शिव दिया है। तो इससे एक बात और जो स्पष्ट होती है, जो हमारे सामने आती है, तो हमें धार्मिक तौर पे ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो पशुपति शिव की पूजा करते होंगे। तो यहाँ से एक आइडिया हमें और मिलता है कि देखिए कि जिस शिव की, भगवान शिव की हम आज पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा जो है वो हमारे पूर्व ऐतिहासिक काल जो आया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमें प्रश्न आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्राचीन देवता कौन सा है भारत का, अगर हम लें तो पशुपति शिव जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ये देखिए, हड़प्पा में हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो ये देवी की मूर्तियां ऐसी जो हैं वो काफी मात्रा में नीचे से मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनकी धार्मिकता में दो देव जो थे वो विशेष थे। अगर हम पुरुष लिंग की बात करें तो पशुपति शिव आ जाते हैं, अगर हम स्त्री लिंग की बात करें तो मातृ देवी आ जाती है। तो फिर दोबारा नोट कर लो कि ये लोग जो थे पशुपति शिव जो हैं उनकी मूर्तियां मिली हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। इसके अलावा ये किसकी पूजा करते थे, ये लोग जो हैं कुछ सीलें हमें मिली हैं नीचे से, तो उसमें कुछ व्यक्ति बताए गए हैं, वो पीपल के पेड़ के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। तो ये जो पेड़ पौधे थे इनकी पूजा भी ये करते थे, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र जो है वो नहीं आता कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो हवन यज्ञ वगैरह करते हों, ऐसी कोई भी बात जो है वो हमारे पास हमें देखने में नहीं मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि इन लोगों के कर्म कांड क्या थे। अब ये देखिए, ये बड़ी देखने वाली चीज है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जो हमारी धार्मिक व्यवस्था आ जाती है या कर्म कांड आ जाते हैं, तो ये लोग जब मर जाता था कोई व्यक्ति तो उसके जो आखिरी रस्म होती है वो कैसे होती थी, ये तीन तरह से होती थी। पहले तो बात ये जो प्रमाण मिला है हमें कि लोग मुर्दे को दफनाते थे, मोहनजोदड़ो में ये मुर्दों की दो तस्वीरें हमें मिली हैं, ये लोथल में मिली है, बंदरगाह के पास लोथल गुजरात में, कि यहाँ पे जो कब्रगाह मिला है वो दोहरा कब्रगाह, यानी कि दो व्यक्तियों को इकट्ठे दबाया हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो व्यक्तियों को इकट्ठे दबाया हुआ। और एक हमारे पास ये आती है जो कि मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी ये कब्र बनी हुई है। अब इससे क्या जाहिर होता है
साफ जाहिर होता है कि वो लोग मुर्दे का, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दबाते होंगे। अब और प्रमाण क्या मिलते हैं? प्रमाण ये मिलते हैं कि ये लोग, कुछ लोग मुर्दों का या मरे हुए व्यक्ति का संस्कार करते थे, उसको जलाते थे। और तीसरा हमें मिलता है कि कुछ लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह पर ये रिवाज भी था कि वो मुर्दे को खुले किसी स्थान पर रख देते थे, गांव के बाहर या शहर के बाहर बहुत दूर, तो वहां पे कोई प्लेस पर्टिकुलर होता था, वहां रख देते थे और चील कौवे पंछी वगैरह जो थे उसकी डेड बॉडी जो है उसको खा जाते थे। तो ये इनकी पूजा पाठ के बाद में इनकी पद्धति आ जाती है कि इनका संस्कार जो था वो कैसे करते थे। अब ये देखिए, अग्निवेदिकाएं का भी संबंध ये तो बहुत सी मिली हैं, कालीबंगन से मिली हैं, तो और भी कई जगह पे इनका जिक्र आता है। तो ये जो अग्निवेदिकाएं हैं ये स्पष्ट तौर पे इस बात को जाहिर करती हैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पे अपने घर में कुछ ना कुछ जलाते होंगे। अग्निवेदिकाओं में वेदिका जो मिली है तो कुछ ना कुछ यहाँ अपने घरों में ही उनका कोई ना कोई संस्कार जो होता अग्नि के जरिए वो करते होंगे। तो नेक्स्ट हमें ये अलंकृत ईंटें मिली हैं। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ आर्टिस्टिक नेचर। तो ये हमें पता चलता है कि ऐसे कालीबंगन में ये जो ईंटें मिली हैं हमें राजस्थान से, ये अलंकृत ईंटें हैं। तो ये इतनी सजावटी ईंट देखिए कि आज से 5,500 साल पहले बनी हुई ईंटें, वो कैसी थी, उनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा था, और कितने ब्यूटीफुली आज भी वो शेप में हमें नजर आती हैं। और उनके ऊपर ये जो आर्ट का काम है ये इनकी कलाकारी के बारे में हमें बयान करता है। तो ये देखिए, अब ये था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन कैसे करते थे, कि इनका जीवन कैसा था, मनोरंजन क्या था इनका, तो आर्टिस्टिक लोग थे। अब ये जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ये या तो पेंटिंग करते हैं या कोई अच्छा सा भवन बनाते हैं, और या फिर ये आर्टिस्ट लोग जो जो होते हैं वो गाते हैं, लिखते हैं, गाते हैं। अब ये सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये मैक्सिमम आउटडोर गेम्स नहीं खेलते थे, ये इंडोर गेम्स अधिक खेलते थे, क्योंकि ये पत्थर जो हैं ये हमें काफी मात्रा में मिले हैं, पत्थर हैं या फिर ये मिट्टी की बनी हुई शतरंज जो है, शतरंज टाइप जो इसके ऊपर निशान बने हुए हैं ये काफी मात्रा में मिले हैं, शतरंज लोथल में मिली है। तो ये लोग, इसका मतलब ये है कि शतरंज का संबंध किसके साथ है, शतरंज का संबंध इंडोर गेम के साथ है, तो ये शतरंज खेलते होंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि ये लोग जो हैं कि ये लाल पत्थर रेत से बनी हुई पुरुष दर्ड, तो ये मूर्तियां वगैरह काफी जो मिली हैं उससे इनकी आर्टिस्टिक नेचर का पता चलता है। अब ये जो मूर्तियां मिली हैं या अपना ये जो कार्य लकड़ी से संबंधित कांस्य की या पीतल की मूर्ति मिली है, ये हमें किस बात की तरफ इशारा करती है? याद रखिए, ये हमें ट्रेड की तरफ ले जाती है कि यहाँ पे लोग जो खेत मिले हैं वो क्या बताते हैं, किसान भी थे। अब यहाँ पे जो मिट्टी की मूर्तियां मिल रही हैं, बर्तन मिल रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वहां पे कुम्हार का कार्य भी था। ये जो हमें बीड्स वगैरह मिले यहाँ पे, जो गहने वगैरह मिले हैं, वो हमें किस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे उनमें सुनार भी थे, सोने का काम करने वाले भी थे। तो इनमें एक चीज हम और ऐड करेंगे कि इन लोगों की का जो समाज था वो बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति का समाज था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहली बात तो ये कि दृष्टिकोण इनका वो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। अब ये जो यहाँ पर बढ़ई भी है, यहाँ पर सुनार भी है, यहाँ पर अपना जो है किसान भी है, तो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि नगर योजना देखिए इनकी कमाल की है, कि ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका मतलब वहां पर व्यापारी भी थे। लोथल की बंदरगाह क्या बता रही है कि व्यापारियों का वर्ग था एक पूरा का पूरा जो वहां पे कार्य करता था। तो ये बातें, इसके बाद इनका जो समाज है, इनका समाज हम देखेंगे कि इनका समाज चार हिस्सों में डिवाइडेड था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो चार हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो व्यापारी थे, एक इनका शासक वर्ग आ जाता, एक आ जाता है शासक वर्ग आ जाता है व्यापारी, उसके बाद
इनके जो है शासक आ जाते हैं, योद्धा आ जाते हैं, राजा लोग जो आ जाते हैं। तीसरे यहाँ पे आ जाते हैं कारीगर, और चौथे यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मजदूर आ जाते हैं। तो ये इनका समाज भी, इनकी भी जो वर्ण व्यवस्था है वो विभाजित है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि ये सभ्यता जो है, अब यहाँ के लोग खाते पीते क्या थे, ये मांसाहारी भी थे और ये शाकाहारी भी थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत सी बातें हैं वैसे जो हम डिस्कस कर सकते हैं, कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें जितनी भी सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंधित मैंने आपके साथ की है आपको पसंद आई होंगी, आपने नोटिंग ली होगी। और कुछ एक बातें जो विशेष याद रखने वाली हैं कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों के जो हैं वो अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां पर सिंध नदी जो है उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया होगा, फ्लड्स आ गए होंगे, तो ये सभ्यता जो है वो सारी की सारी बिखर गई होगी। कुछ एक का विचार है कि फ्लड्स नहीं आए होंगे, कि हो सकता है बहुत बड़े रिक्टर का कोई भूचाल आया हो, जबरदस्त भूचाल आया हो, और वो पूरा का पूरा नगर बीच में समा गए हो, तो ये इसका सेकंड इश्यू आ जाता है। फिर आ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई महामारियां फैली होंगी वहां पे, तो वो एरिया छोड़ के किसी दूसरे एरिया में चले गए होंगे, ये भी बात सही है। और अब कुछ इतिहासकारों का विचार है कि बाहरी लोग जो आर्य लोग थे उनके हमले, और मैं इस तथ्य के साथ सहमत हूँ कि ये सभ्यता के ऊपर, इस सभ्यता के ऊपर आर्य लोग जो थे उनके हमले हुए। अब इसकी विशेषता एक बार मैं आपको बताता हूँ, जो लोग शांति प्रिय होते हैं, मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि जो लोग शांति प्रिय होते हैं, कला विकसित कहाँ पे होती है, यहाँ पर शांति होती है, कला विकसित कहाँ पे होती है, यहाँ समृद्धि होती है, तो कला सुरक्षित कहाँ पे प्रफुल्लित कहाँ पे होती है, यहाँ पूरी तरह इंसान सुरक्षित होता है। गीत भी तभी उठता है, कविता भी तभी उठती है, ब्रश भी तभी चलता है कैनवस के ऊपर, और भवन बढ़िया से बढ़िया निर्मित भी तभी होते हैं। ताजमहल कौन बना रहा है, शाहजहां बना रहा है, जहांगीर नहीं बना रहा है, औरंगजेब नहीं बना रहा है, लाल किला कौन बना रहा है, आर्टिस्टिक नेचर का एक व्यक्ति शाहजहां वो बना रहा है, तामीर कर रहा है मुगल साम्राज्य में। तो यहाँ पर भी ये जो इतनी सारा आर्ट का काम हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, तो इसके बारे में आप एक बात याद रखिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ये जो लोग थे ये शांति प्रिय थे, ये युद्ध करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि खुदाई में कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली, सिर्फ कुछ गुलेलें मिली थी, वो भी जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मेरे को पता चला था, हमारे जो मेरे अध्यापक थे उन्होंने, गुलेलें थी या मिट्टी की बनी हुई गोलियां थी, तो ये थी। अब आर्य लोगों के पास क्या था, उनके पास तो घोड़े भी थे, उनके पास जो तलवारें भी थी, उनके पास भाले भी थे, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सभ्यता में कहीं भी घोड़े का जिक्र नहीं आता, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जिक्र नहीं है। और यहाँ पे जो पशु है, धार्मिक दृष्टि से भी देखिए, पशु जो है वो बैल की पूजा कर रहे हैं, गाय की पूजा नहीं कर रहे हैं, बैल की पूजा कर रहे हैं, पशुपति शिव और नंदी, यहाँ पे सीधा कनेक्शन जो बताया कि बैल की पूजा कर रहे हैं। तो ये विशेष बातें इनकी जो है वो नोट करने वाली हैं। और इसके अलावा एक बात और सभी याद रखें कि ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, इस सभ्यता में कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं आता है, मेटल में, धातु में लोहे का जिक्र नहीं है। तो इन ये जो लोग थे इनको लोहे का विशेष ज्ञान नहीं था। तो इस सभ्यता के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है उन्होंने ये पूरा का पूरा लेसन जो है उसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं ग्रहण के साथ साथ, अगर हम कोई चीज खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, मनोरंजन के साथ ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे रहती है और यहाँ पे भी रहती है, दोनों जगह पे रहती है, यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे भी रहती है। और एक बात याद रखें, यहाँ पर जो चीज होती है, यहाँ पर की स्मृति जो होती है वो जा सकती है, बहुत ज्यादा जगह इकट्ठी हो गई, और जो दिल से स्वीकार की हुई किया हुआ अध्यापन होता है वो दिल में होता है और दिमाग में वो सदैव रहता है। तो आप सभी चिरंजीवी रहें, आप सभी सदैव खुश रहें। मुझे आशा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जितनी भी बातें हुई हैं आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, और फिर एक नया चैप्टर इतिहास का, एक नया अध्याय लेकर
मैं आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा कि कल नहीं परसों। तो एंजॉय करें, पढ़ते भी जाएं और एंजॉय भी करते जाएं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और सत श्री अकाल।